पिछोर के छत्रसाल महाविद्यालय में राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति अविनाश तिवारी रहे। मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती पूजन किया गया, उसके बाद कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम में जनभागीदारी अध्यक्ष एवं जनभागीदारी समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कई जिलों के प्राचार्य प्रोफेसर मौजूद रहे। पिछोर महाविद्यालय के प्राचार्य ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया एवं बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का भी सम्मान किया। कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के बारे में मुख्य अतिथि कुलपति जी ने बताया कि पिछोर महाविद्यालय नए आयाम तक पहुंचेगा। महाविद्यालय द्वारा जो भी मांग की गई उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण की जाएंगी। इस कार्यक्रम में जनभागीदारी अध्यक्ष अमित पड़ारिया ने अपनी नाराजगी जताई। कार्यक्रम के अंत में छत्रसाल महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा आए हुए सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। संवाददाता सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। सर, आज पिछोर में राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में आप पधारे और क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये बहुत हर्ष का विषय है कि इस महाविद्यालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आज राष्ट्रीय सेमिनार कर रहे हैं। इससे शिक्षकों का, छात्रों का मनोबल बढ़ेगा और महाविद्यालय के स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। सबसे अच्छी बात है कि इस सेमिनार में कई जगह से छात्र आए होंगे, जो पेपर मैंने देखा, जो बुकलेट मुझे दी गई, और साथ ही साथ शिक्षक और रिसोर्स पर्सन भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों से आएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद यह महाविद्यालय एक नए आयाम की तरफ बढ़ेगा। धन्यवाद।